जय हिंद। तो प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रे तो आज आम कर पेपर वन रो गोटे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को आलोचना करवा जहाँकि परीक्षा पाई बहुत सारा हेल्पफुल हे एथर 2024 रो परीक्षा पाई। तो से प्रश्नटी कौन रही प्रश्नटी रही नारीवाद कौन यार उत्पत्ति विषय सविशेष धारणा दि ठीक अच्छे आमर फेमिनिजम विषय आमको प्रश्न पचार। तो यहाँ हूँ गोटे इम्पोर्टाट रिपीटेड प्रश्न जहाँकि अनेक सारा यूनिभर्सीटर आम परीक्षार देखू तो क्यों भाई भाव लिखा आज भिडियो आम आलोचना करवा। तो जो भी छात्र छात्री मैंने प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर तर पॉलिटिकल साइंस परीक्षा देवाई जाऊँ तो निश्चित रूप आज क्लास टी से प्रथम रु शेष पर्यटन थोड़े देखते जहाँफल से सबकि बुझीपारे ठीक अच्छे। तो देखा जे प्रथम आमको इंट्रोडक्शन किसी लिखापी पड़ो तापर एमती किसी आमको पॉइंट व्यवहार करके लिखापी पड़ो। तो मुझे लंग क्वेश्चन में तुमको आग्रह कही लॉन्ग क्वेश्चन को जमती सेमती लिखीदे तुमने जिते ठीक लिखले तुमको जे मैंने खाता देखते तुमको इंप्रेसन गोटे कमीज तेनाली आम सठिक उपाय लिखा उचित। तो तुमको आज आम आलोचना करवा एस जहाँ सब मेन मेन पॉइंट सब अच्छे मुझे तुमको आलोचना करी कारण सब मुझे पढ़ी जब शुणी तेल बहुत वीडियो लंबा हो तो तुमको मझे मझे इंपोर्टेंट लगे तुमने नोट कर वीडियो को पॉज करके ना स्क्रीनशॉट नहीं पार ठीक अच्छे। देखा जे नारीवाद कौन ये प्रश्नटा तुमने देख तुमने दुई मार्किया पाइब एक मार्किया पाइब तीन मार्किया पाइब सात मार्किया पाइब सबुआड़े ये प्रश्न तुमने पाइब। देखा जे जो चिंताधारा नारी को पुरुष सहित समान अधिकार सुविधा सुजोग अमर मर्यादा पदमर्यादा प्रदान वार्ता बहन करे ताकू नारीवाद बोली कहा जाए। तो आम जमी जाणीचु जो आम जो पूर्व आग काल नारी मान स्थान कौटी थी एवं तर जो शिक्षा क्षेत्र में हो स्वास्थ्य क्षेत्र में होकोसी कम सब पचर आम रखुले ठीक अच्छे। जे से अबला दुर्बला से पाठ पढ़ की कौन हम से रोष करेंगे तो ये सब चिंताधारा। तो ये नारीवाद कौन कैर ना सी पुरुष सहित नारी को समान करे तार अधिकार क्षेत्र हो समान सुजोग समान मर्यादा सब किसी देखे ताको ही नारीवाद बोली कहा जाए। नारीवाद दार्शनिक माने यही तत्व को भिन्न भिन्न शैली में व्याख्या करते तो देखो नारीवाद अन्य तार अर्थ को जो मैंने नारीवाद दार्शनिक जो मैंने थे जो मैंने फिलोसोफर थे से मैंने अनेक प्रकार व्याख्या करते जमीका दि न्यू एंड साइक क्लोपेडिया अनुसार नारीवाद को नारी मुक्त आंदोलन सहित तुलना करा जाए ठीक अच्छे। नारीवाद को कौन ना नारी मुक्त आंदोलन सहित तुलना करा जाए मुक्ति आंदोलन सरी मु मुक्त कहली नारी मुक्ति आंदोलन यह एक सामाजिक आंदोलन को दर्शाए जहाँ नारी मान पुरुष मान सहित सामान अर्थर सामान पदमर्यादा पर कौन कैर ना से सृष्टि मार्ग सृष्टि कै तापर आ देख कौन दे समाज विज्ञान केलिन्स अभिधान मत अनुसार नारीवाद एक पद्धति दर्शाए जहाँ समग्र विश्व में नारी शोषण और पुरुष ठारु न्यूनता उपरे पर्यवेक्षित। तो एमती आउ गोटे पॉइंट मध्य लिखाई ताको देखिबो तो से भले भाव तुम्हें प्रथम इंट्रोडक्शन आम दे देलु नारीवाद विषय तापर कि पॉइंट द्वारा आम देखिलु जे विभिन्न दार्शनिक मानक मध्यरे नारीवाद अर्थटी कौन देखिलु तापर बर्तमान आम देखो कौन देखा साधारणतः नारीवाद कहिले यह एक सामाजिक और राजनैतिक तत्व और अभ्यास बुझाए। तो आम उपरे जहाँ सब लिखले तार आम कौन तार आम सामरीज करके पाइले कौन तार आम सारांश पाइले तो ताको आम लिखू जार मुख्य लक्ष्य नारी को पुरुष प्राधान्य और शोषण मुक्त करवा। तो अधुना नारीवाद एक विश्वव्यापी चिंतन परिणत हो पाश्चात्य राष्ट्रगुड़िकर नारीवाद चिंताधारा प्रथम उद्रेक होता परवर्त समय यह विश्वर विभिन्न भाग को व्याप्त होता। तो तापर दीची नारीवाद आमर उत्पत्ति विषय देखिबो तो कौन रही तार जो प्रथम जो रही फास्ट फेज रही तो फास्ट फेज रे कौन अच्छी तो सेमती सेकेंड फेज रे कौन अच्छी तुमने बर्तमान स्क्रीनशॉट नियो जहाँफल तुमने बुझापी चेष्टा कर मुझे बढ़े भी जो ठीक नहीं तेल बहुत लंबा भिडियो हो पाने अलग सब क्लासेस करापी असुविधा हे टाइम भी बहुत आमर मानने कम अच्छी कोचिंग सेंटर को मुझे छाड़ की मुझे बर्तमान आसिक भिडियो कराफल तुमको हेल्पफुल हो पार ठीक अच्छे। तो तुमने देख अच्छा तो एमती सब देख लास्ट को तार इंट्रोडक्शन टा कि लिखे जमी विश्व
ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ ଏମିତି ଯାହା ବି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ଟି ଲେଖିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଲେ ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ରଖିପାରିବ। ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଲ୍ ୟୁନିଟ୍ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ସେଠି ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ତୁମମାନଙ୍କ ସେଠି ଏକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କର ପଡ଼ୁ ବା ତୁମର ଯଦି ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ପଡ଼ୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ହଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଏମିତି ଆଗକୁ ଅନେକ ସାରା କ୍ଲାସେସ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ।